कुछ दिनों पहले YouTube पर एक कमेंट आया था। एक लेडी ने लिखा था कि सर मेरी जस्ट अभी भी शादी हुई थी, लेकिन जस्ट शादी के एक साल के भीतर एक भयानक बीमारी ने मेरे हस्बैंड की जान ले ली। और वो भयानक बीमारी थी एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस। और इसमें सबसे खतरनाक वर्ड जो है नेक्रोटाइजिंग। आज हम इस वीडियो में इस नेक्रोटाइजिंग के बारे में जानेंगे और इस डर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे। नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें सेल्स की डेथ हो जाती है। जी हाँ, पैनक्रियास के सेल्स की डेथ होना, यह है नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस। अब क्या यह एक्यूट या क्रॉनिक क्या होता है? जनरली इसका प्रेजेंटेशन एक्यूट होता है, बहुत सीवियर दर्द होता है, बहुत तेज दर्द के साथ वॉमिटिंग होना यानी कि उल्टियाँ होना, पसीना आना, और इतना ज़्यादा उल्टियाँ हो सकती है कि बीपी भी लो हो सकता है और इस व्यक्ति को ICU में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। सो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अब जानते हैं कि क्या ये क्रॉनिक भी हो सकता है? जी हाँ, ये एक्यूट नेक्रोटाइजिंग होने के बाद ये क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि सेल डेथ बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के बाद पैनक्रियास का कुछ हिस्सा तो गायब भी हो जाता है। तो ये क्रॉनिक फॉर्म में भी रहता है और एक्यूट फॉर्म में। तो चल जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और जानते हैं कि इसका उपचार कैसे होना चाहिए। सो एक्यूट अटैक में जैसे मैंने बताया कि दर्द से शुरू हो सकता है, साथ में पसीना आना, उल्टियाँ होना, ये सब हो सकता है, लेकिन इसका माइल्डर वर्शन भी हो सकता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से है या इंजरी की वजह से है या इवन कभी कभी सर्जरी के द्वारा ट्रिगर होने के कारण हुआ हो तो ये कोई भी तरीके से हो सकता है। इसमें फीवर आना बहुत आम बात है, तो बुखार बहुत तेज़ रहेगा, 104 डिग्री, इतना तेज़ बुखार, और इसके साथ में जी मिचलाना, ये माइल्ड फॉर्म में भी आ सकता है और ये उतना ही खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ में नेक्रोटाइजिंग के साथ में कभी कभी हीमोरेजिक भी कंबाइन हो जाता है जो उसे और खतरनाक बना देता है। और नेक्रोटाइजिंग हो या हीमोरेजिक हो या दोनों साथ में हो, ये तीनों ही केस में जान का जोखिम बना रहता है। तो अगर आपको सीवियर अटैक आता है तो आपने तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए और वहाँ पर जो भी सेवाएँ हो वो इमरजेंसी मैनेजमेंट करना चाहिए। अब ये हो गई एक्यूट नेक्रोटाइजिंग के लक्षण। अब हम क्रॉनिक की बात करेंगे। सो क्रॉनिक में सरप्राइजिंगली आपका स्कैन दिखाएगा नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस। वो क्रॉनिक है क्योंकि लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कभी कभी कोई लक्षण नहीं है। एक व्यक्ति को मैंने इस तरह से देखा था कि उन्हें क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस था और पेन एक्यूट की जैसा था। जी हाँ, यानी कि एक्यूट दर्दनाक, बहुत खतरनाक दर्द, ये बहुत महीनों तक भी चल सकता है। सो एक्यूट में सडन पेन आएगा और सडन डेथ की रिस्क रहेगी। क्रॉनिक में पेन कम या ज़्यादा रह सकता है लेकिन लंबे समय चलेगा, और इसमें क्या डेथ की रिस्क है? जी हाँ, इसमें कभी भी एक्यूट अटैक में तब्दील हो सकता है और इसमें भी मौत हो सकती है। सो एक्यूट हो या क्रॉनिक दोनों खतरनाक है, एक्यूट ज़्यादा खतरनाक है, क्रॉनिक हमें मौका देता है। तो चलिए जानते हैं इन बीमारियों के कारण के बारे में। जब कारणों की बात करें तो नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस का कारण, पहला कारण हो सकता है कि पैनक्रियाटाइटिस। जी हाँ, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, किसी भी तरह का पैनक्रियाटाइटिस अगर है तो नेक्रोटाइजिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो ट्रिगर फैक्टर देखा गया है वो गॉलस्टोन्स। तो गॉलस्टोन्स की सर्जरी करने के समय या सर्जरी करने के पहले भी पैनक्रियाटाइटिस और एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस को तैयार कर सकता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो, ट्रॉमा हो या इंजरी हो, ये सारी चीज़ें एक्यूट या क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस को तैयार कर सकते हैं। अगर हम और कुछ रीजंस ढूंढना चाहें कि क्या रीज़न है जो इसे प्रोत्साहन देते हैं, तो वो रीज़न है डायबिटीज़, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल और सीवियर इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी हो तो वो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस को तैयार कर सकता है और जीवन को खतरे में डाल सकता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन पर जाने से पहले एक फैक्टर को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर कहा जाता है कि अल्कोहल से पैनक्रियाटाइटिस होता है या अल्कोहल से ही नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस भी होता है, लेकिन अगर ऐसे होता तो शायद आधे भारत को पैनक्रियाटाइटिस होना चाहिए या नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस होना चाहिए। देखिए, अल्कोहल बहुत लोग लेते हैं लेकिन सबको पैनक्रियाटाइटिस नहीं होता या सबको नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस नहीं होता। तो आपको ये समझना होगा, अल्कोहल बाहरी ट्रिगर है, बाहरी फैक्टर है, एक्चुअल असली कारण तो अंदर बैठे हुए हैं। असली कारण है आपके शरीर की प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी। अगर आपके शरीर में डिस्ट्रक्शन की टेंडेंसी आ चुकी है
तो ही आपको अल्कोहल की वजह से नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस होगा। ये क्या होता है डिस्ट्रक्शन की टेंडेंसी, मतलब क्या? देखिए आपके बॉडी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आज सोच रहा है बहुत पॉजिटिव मोड में, बहुत हैप्पी मोड में, बहुत खुश मोड में है, तो इसका सारा मेटाबॉलिज्म भी पॉजिटिव मोड में है। लेकिन सोचिए कोई दूसरा व्यक्ति है जो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, आत्महत्या के बारे में निरंतर लगातार सोचते रहता है, खुद को ब्लेम कर रहा है, बहुत निगेटिव है, जीवन से निराश हो चुका है, अब इसके बॉडी में कंस्ट्रक्शन वाला मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। इसके बॉडी में जो चलेगा उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। सो हैप्पी कोई है, पॉजिटिव कोई है, बॉडी की स्टेट पूरी पॉजिटिव है तो शरीर में चलता है एनाबॉलिज्म, और कोई निगेटिव है या फिर डिप्रेस्ड है या सुसाइडल है या ब्लेमिंग है या फिर बहुत ज़्यादा निराश है तो उसके बॉडी में चलता है कैटाबॉलिज्म। तो जो बहुत ज़्यादा निगेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सेल होंगे, बहुत ज़्यादा नफरत से भरे हुए लोग होंगे, जनरली आप देखेंगे ऐसे लोगों में पाया जाता है पैनक्रियाटाइटिस या फिर क्रॉनिक एक्यूट या नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस। सो नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस के इलाज की अगर जब बात की जाए तो सबसे पहले एक्यूट तो बहुत क्रिटिकल स्थिति होती है, यानी कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चाहिए, सर्जन चाहिए, इंटेंसिविस्ट चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, ये सब मिलके आईसीयू में रख के इस पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे पहला पड़ाव। अब इसमें सर्जरी में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, बट सर्जरी के डिफरेंट ऑप्शंस में अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि नेक्रोसिस कितना हुआ, कहाँ पर हुआ, सेल डेथ कितनी मात्रा में हुआ, उसे देखकर उस समय पर ही उसे डिसाइड करना पड़ता है, और ये सर्जन का इंस्टेंट डिसीजन होता है। इसके अलावा आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है पेशेंट को पूरी तरह भूखा रखना। तो पूरी तरह भूखा रखने में न्यूट्रिशनल सपोर्ट एक तो आईवी द्वारा दिया गया जाता है या फिर नाक से जो नली डाली जाती है राइज ट्यूब, उसके द्वारा पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। आमतौर पर लोग डाइट पर ध्यान देते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि डाइट का पर्पज़ क्या है। डाइट का पर्पज़ है आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना। तो जब ये पर्पज़ ही हम भूल जाते हैं ना तो वो व्यक्ति वीक होते जाता है, उसका वेट लॉस हो जाता है। तो ये क्रॉनिक स्थिति है, ये क्रॉनिक स्थिति में इतना सारा वेट लॉस, पुअर इम्यूनिटी, पुअर न्यूट्रिशन, तो आदमी अंदर से खोखला कमज़ोर होते जाता है। तो अब यहाँ पर बारी आती है न्यूट्रिशनल सपोर्ट की। लेकिन क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में देखा गया है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत अच्छा मेंटेन नहीं किया जाता। तो अब इसका क्या उपाय है, तो चलिए यहाँ मैं बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। देखिए पैनक्रियास के कुछ सेल्स डेड हो गए, लेकिन बॉडी में खूबसूरत एबिलिटी है कि कुछ सेल्स अगर डेड हो गए तो बाकी बचे हुए सेल इन डेड सेल्स का काम लेकर आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आमतौर पर सभी एंजाइम्स खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, डाइजेशन के लिए कुछ करते हैं, लेकिन पैनक्रियास के सेल्स को एक्टिव करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं करते। सो हम जो इलाज करते हैं हम बचे हुए पैनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं। मान के चलिए किसी के पास 100,000 सेल्स है और 50,000 सेल्स डेड हो चुके हैं, तो बचे हुए 50,000 सेल्स को अगर हम ट्रिगर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वो बाकी बचे हुए 50,000 सेल्स का भी काम कर सकते हैं, यानी कि एक सेल्स दो सेल्स का काम करेगा। जी हाँ, ऐसे पैनक्रियास में भी होता है और हमने बार बार लगातार देखा है कि अगर आप पैनक्रियास के सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करो तो रिजल्ट्स बहुत शानदार मिलते हैं। इसे कहते हैं जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट। सो नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस हो या नॉन नेक्रोटाइजिंग हो या कोई भी हो, क्रॉनिक फेज में जेनेटिक होलिस्टिक इलाज करना बहुत बड़ी समझदारी है। एक तो सेल्स को रिकवर कर सकते हैं, सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, सेल्स को कंपनसेटरी उनका साइज बढ़ा सकते हैं, और ऐसा सब करके आप अपने खोए हुए पैनक्रियास को काफ़ी हद तक वापस पा सकते हैं, उसके फंक्शंस को भी वापस पा सकते हैं। हमने बार बार लगातार बहुत सारे पेशेंट्स में ये किया है और रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। इसमें हम मदद लेते हैं एपी जेनेटिक थेरेपीज की, साथ में जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन की, साथ में सेलुलर एक्टिवेशन थेरेपीज की। इसके साथ में हम सेल डिटॉक्स करते हैं, माइंड डिटॉक्स करते हैं, बॉडी डिटॉक्स करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं तो कहूँगा दुनिया की सारी चीज़ें भी करनी पड़े ना और आपको आपका पैनक्रियास वापस मिल सकता है, अगर आपको आपकी हेल्थ वापस मिल सकती है, अगर आपको वो बड़ी खुशियाद वाली ज़िंदगी वापस मिल सकती है, तो और क्या चाहिए। जेनेटिक होलिस्टिक इलाज एक बार कोशिश सब ने करनी चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इसी इलाज के लिए जेनेटिक होलिस्टिक इलाज जो बीमारियों को रिवर्स कर सकता है और ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर सकता है, इसी इलाज के लिए
हमें एक स्पेशल अवार्ड मिला, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ केयर ब्रांड। ये आप लोगों का प्यार ही है जिसने हमें ये अवार्ड दिलाया, सो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप, आपके मित्र परिवार, इन्होंने ही हमें चुन के इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ केयर ब्रांड दिलाया, सो सबसे पहले आपको थैंक यू। दूसरा एक और बताना चाहूँगा, हमें इसके पहले एक अवार्ड मिला जो आपके काम का है, आपने सुनना चाहिए। वो अवार्ड था बेस्ट इनोवेशन इन ग्लोबल हेल्थ केयर। तो देखिए, आज तक आपने जितना सुना ना, मैंने जो बताया उससे कम्प्लीटली अलग बताया। इसी को कहते हैं बेस्ट इनोवेशन इन ग्लोबल हेल्थ केयर। दुनिया के हर फेज में इनोवेशन हो रहे हैं, लेकिन इलाज में इनोवेशन नहीं हुआ था अब तक। बहुत ज़रूरत थी आपको तकलीफ से बचाने के लिए, हेल्थ केयर में इनोवेशन की ज़रूरत थी। इसलिए हमने वो सारी कोशिश की जो आपको फिर से एक बार नई हेल्थ दे सकते हैं। सो बेस्ट इनोवेशन इन ग्लोबल हेल्थ केयर और साथ में इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ केयर ब्रांड, ये दो अवार्ड बताते हैं कि हम हर चीज़ जो करते हैं ना, सिर्फ आपके लिए करते हैं, आपको हेल्थ दिलाने के लिए करते हैं, आपको बीमारी से जिताने के लिए करते हैं। हमारी कंपनी में जो भी डिसीजन होता है, सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है, कैसे हम आपको बेहतर ज़िंदगी दे सके। सो आपने भी हमें प्यार दिया, सपोर्ट दिया और ये ट्रस्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी हमें मौका दें कि हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी बीमारी से जीतने में, एक नई ज़िंदगी लिखने में।